Bismillah Rahmanir Rahim, Assalamu Alaikum, dear students. I welcome you all to the Orchard Education Systems online class. Today, the day is Thursday and the date is 24th December 2020. Our subject is mathematics and I am your subject teacher, Ms. Aisha Khalid. Today is our lecture number 6. Our book name is Ready Study Go, page number 125 and 126. Today our topic is count and mage. And match objects with their shapes. Let's start our work now. First of all, open your books, page number 125 of your book. ऑन पेज नंबर वन ट्वेंटी फाइव ऑफ योर बुक इज़ काउंट एंड मैच हाउ टू काउंट एंड मैच हाउ टू काउंट द ऑब्जेक्ट्स एंड मैच विद द नंबर्स आपने दिए गई पिक्चर्स में जो चीज़ें हैं उनको काउंट करना है वो क्यों कितनी है और फिर आपने उसको उसके नंबर के साथ मैच करना है इसको मैं आपको सिखाती हूँ कि आपने ये कैसे सॉल्व करना है हेयर इज़ योर बुक योर क्वेश्चन इज काउंट एंड मैच काउंट एंड मैच वट टू डू लुक हेयर वट इज़ दिस दीज आर टू चिकन दीज आर टू चिकन ये दोनों चूजें हैं दो आपने इनको काउंट करना है कि ये कितने हैं वन टू हाउ मैनी चिकन्र देयर हाउ मैनी चिक्स आर देयर वन टू कितने हैं ये टू हैं तो आपने इनको टू के साथ यहाँ से इसको आपने टू के साथ मैच करना है यहाँ इन नंबर्स में आप देखेंगे कि टू कहाँ लिखा है दिस नंबर इज़ वन फाइव फोर थ्री टू टू यहाँ है और ये ये कितने हैं टू हैं वन टू तो आपने इसको मैच कर देना है टू के साथ इसी तरह से अब आपने काउंट करने हैं ये शूज़ ये शूज़ कितने हैं वन टू थ्री फोर ये शूज़ कितने हैं वन टू थ्री फोर सो मैच दिस शूज़ विद नंबर फोर वेयर इज़ नंबर फोर हेयर इज़ नंबर फोर मैच दी नंबर फोर विद द शूज़ नाउ काउंट दिस ट्री हाउ मेनी ट्री हाउ मेनी ट्रीज आर देयर वन ओनली वन ट्री हाउ मेनी ट्रीज आर देयर वन सो वेयर इज़ नंबर वन हेयर हेयर इज़ नंबर वन मैच दिस नंबर विद दिस ट्री ओके नाउ काउंट दिज काइट्स वन टू थ्री फोर फाइव हाउ मैनी काइट्स आर देयर फाइव सो मैच दिस काइट्स विद नंबर फाइव वेयर इज़ नंबर फाइव हेयर इज़ नंबर फाइव मैंने आपको बताया था ना फाइव कैसे लिखते हैं डैश स्ट्रीट लाइन सेमी सर्कल सो मैच दिस फाइव विद द guides now count these caterpillars One, two, three. how many caterpillars are there 3 1 two, three. match these caterpillars with the number 3 here is number 3 so match these match it okay and now move to page number 126 ऑन पेज नंबर वन ट्वेंटी सिक्स यू हैव टू मैच दी ऑब्जेक्ट्स विद दियर शेप्स जितनी भी पिक्चर्स इस पर दी गई हैं आपने उन सबकी शेप को रिकोगनाइज करना है और सामने दिए गई शेप्स के साथ उनको मैच करना है आई विल टेल यू हाउ टू मैच दिज एंड रिकोगनाइज दी ऑबजेक्ट्स ऑन योर बुक्स हेयर द क्वेश्चन इज मैच दी ऑब्जेक्ट्स विद यर शेप्स फर्स्ट पिक्चर इज ऑफ अ वाटर मेलन दिस इज अ पीस ऑफ वाटर मेलन इट हैज़ वन टू थ्री थ्री कॉर्नर्स और वो पिक्चर वो शेप जिसके थ्री कॉर्नर्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं ट्राई एंगल कहते हैं जिसके थ्री कॉर्नर होते हैं तीन कोने होते हैं आप यहाँ पर देखें यहाँ पे इन शेप्स में ऐसी कौन सी शेप है जिसके तीन कोने हैं जिसके थ्री कॉर्नर हैं दिस इज़ अ सर्कल सर्कल का कोई कॉर्नर नहीं होता आप जानते हैं दिस इज़ अ रेक्टेंगल इसके कितने कॉर्नर हैं वन टू थ्री फोर इसके भी थ्री नहीं है इसके थ्री हैं वन टू थ्री फोर नो इसके भी थ्री से ज़्यादा हैं और इसके तो कॉर्नर हैं ही नहीं अब इसके देखेंगे वन टू थ्री इसके कितने कॉर्नर्स हैं थ्री कॉर्नर्स हैं तो ये भी ट्राई है थ्री कॉर्नर वाला और ये भी ट्राई है थ्री कॉर्नर वाला सो यू विल मेच दिस डॉट विथ दिस डॉट ओके एंड नाओ लुक हेयर दिस इज़ अ पोटैटो पोटैटो की शेप कैसी है लॉन्ग लॉन्ग है, है तो ये सर्कुलर लेकिन ये लॉन्ग है जब लंबा अंडे की तरह का लंबा सर्कल हो अंडे की तरह का लंबा गोल हो ऑब्जेक्ट उसकी शेप को हम कहते हैं ओवल उसे हम कहते हैं ओवल ओवल आप देखें इन, शे, इन शेप इन शेप्स में ओवल कहाँ है ये तो सीधा गोल है ये पूरा सर्कल है ये भी सर्कल है लेकिन ये गोल है और ये लंबा गोल है तो हम इस पोटैटो को मैच कर देंगे इस ओवल शेप के साथ इसी तरह से ये एक विंडो है आप देखें विंडो के कितने कॉर्नर हैं वन टू थ्री फोर जिस शेप के फोर कॉर्नर हों चार कोने हो उसे हम कहते हैं स्क्वायर उसे हम कहते हैं स्क्वायर अब आपने इस स्क्वायर को मैच करना है इसकी शेप्स के साथ इन शेप्स में से कौन सी शेप है जो स्क्वायर है स्क्वायर की चारों साइड्स बराबर होती हैं ये देखें ये इसकी ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड चारों साइड्स क्या है बराबर हैं ये एक स्क्वायर है सो यू विल मैच दिस विंडो विद दिस स्क्वायर नाओ दिस इज अ बॉल बॉल की शेप क्या है सर्कल ये तो सबको पता है यहाँ पे सर्कल कौन सा है दिस इज अ सर्कल मैच द बॉल विद द शेप सर्कल एंड लास्ट वन इज एन एनवेलप लास्ट है इनवेल्प इनवेलप की शेप में भी फोर कॉर्नर हैं वन टू थ्री फोर बट दिस इज़ नॉट अ स्क्र ये स्क्वेयर नहीं है क्यों क्योंकि इसकी चारों साइड्स बराबर नहीं है ये देखें ये साइड इसकी लंबी है ये साइड इसकी छोटी है इसलिए ये स्क्वेयर नहीं है इसका नाम है रेक्टेंगल यहाँ पे देखें रेक्टेंगल कहाँ है इसकी चारों साइड्स बराबर हैं सो ये रेक्टेंगल नहीं है इसको देखें ये लंबी है ये छोटी है ये लंबी है ये छोटी है इसका मतलब है दिस इज़ आ रेक्टेंगल ये कौन सी शेप है रेक्टेंगुलर शेप है ये सो यू विल मैच द इन्वेलप विद दिस रेक्टेंगुलर शेप दीज टू पेजेस और योर क्लास वर्क ये आपने अच्छी तरह से समझने हैं और मेरे साथ ही आपने ये दोनों पेजेस सॉल्व करने हैं इसके साथ ही आपका होम टास्क जो होगा वो आपकी नोटबुक पे होगा ओपन योर नोटबुक्स आपकी नोटबुक्स पे जो मैंने आपको होम टास्क दिया है उसमें आपने टू पेजेस सॉल्व करने हैं इन टू पेजेस में आपने क्या करना है फर्स्ट पेज पे है काउंट एंड मैच यहाँ पे आपने काउंट करना है और मैच करना है बैलून्स को आप काउंट करेंगे कि बैलून्स कितने हैं फोर बैलून्स हैं तो आपने फोर के साथ मैच करना है स्टार्स कितने हैं थ्री उसके बाद ट्रायंगल्स कितने हैं फाइव आइसक्रीम्स कितनी है टू ट्रीज़ कितने हैं वन इनको आपने गिवन नंबर्स के साथ मैच कर देना है और सेकंड पेज आपका होम टास्क का है राइट नंबर्स वन टू फाइव इसमें आपने वन से लेकर फाइव तक की काउंटिंग लिखनी है और काउंटिंग आपने बिल्कुल डॉट्स के साथ डॉट से स्टार्ट करनी है लेकिन लास्ट लाइन के साथ वो टच करनी चाहिए लास्ट लाइन से ऊपर कुछ भी नहीं होगा फॉर योर हेल्प आई एम ट्राइंग टू ट्राइंग टू शो यू दैट हाउ यू कैन राइट नंबर वन टू फाइव ऑन योर नोट बुक टचिंग दी बॉटम लाइन वन आप कैसे लिखेंगे यू विल स्टार्ट फ्रॉम दिस डॉट एंड स्ट्रेट लाइन दिस इज़ अ वन हाउ टू राइट नंबर टू हाउ टू राइट नंबर टू सेमी सर्कल स्लाइड डैश एंड हाउ टू राइट नंबर थ्री सेमी सर्कल विद अ सेमी सर्कल देखे मैंने बॉटम लाइन के साथ टच करके लिखे हैं नंबर्स हाउ टू राइट नंबर फोर स्मॉल स्ट्रेट लाइन डैश एंड लॉन्ग स्ट्रेट लाइन एंड हाउ टू राइट नंबर फाइव Dash, straight line, semicircle. Okay, in this way you must have to write numbers from one to five on your notebook, and you must also have to do two pages of your book Friday study go. Okay, I hope you have got my point, and you have, and you will do this work very neatly and cleanly. Stay blessed, stay home, stay safe. Thank you, and have a nice day, Allah Hafiz.